जी पिछली सरकार से पर्चिया वाली सरकार सी, पर जी हूँ सरकार आ रही है वो आम आदमी की और अच्छे लोगों की सरकार आएगी जिदे गंदी राजनीति नहीं की जाएगी। लोगों जवानिया मावं कुखा खाली हो गई सी। 80% वोट जी है ना आम आदमी पार्टी पैनी पैनी है। जे सरकार ईमानदार हो केड़ा काम हैगा जड़ा नहीं हो सकता। 5 सालों के बीच किसी बंदे की तरक्की नहीं हुई, जी तरक्की हुई है ये कौंसलर की हुई है जा MLA साहब की हुई है। ये जित है, जित ये सच की जित है, ये जित आनी है। कांग्रेस का इतिहास खत्म हो चुका है, तुसी शुरू तो देख रहे हो कांग्रेस बिल्कुल थले आ रही है। कांग्रेस को चेतावनी देना, जेडे साढ़े भगवंत मान जी नूं कहिंदे आ ना कि ड्रिंक करते हैं तो ये गल का ख्याल रखन, जेडे पीने शौकीन वाले जे वोटा पाती है ना तो तुसी समझ लो तुहानूं एक वोट भी नहीं मिलनी। इन्होंने 70 साल लुट के भी खा लिया, सानू कुटिया भी बहुत, तो हजे भी झूठ से झूठ मारी जाते हैं, कोई वादा पूरा नहीं, कुछ नहीं होया। बाकी रमन जी एक ईमानदार इंसान ने, पढ़े लिखे तो समाज सेवा करने वाले बंदे ने, इन्होंने समाज का भला ही करना इतने आके। जिन्हें 2 नंबर से काम कर रहे हैं कांग्रेस के अकालिया कर रहे हैं, इन्हू डर सता रहे, जदों आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो साढ़े 2 नंबर के काम बंद हो जाने, साढ़े बेरोजगार बाहर जा रहे हैं तो इतने नौकरियां किन्हां दे रहे हैं, भैया दे रहे हैं, हिमाचलियां दे रहे हैं, राजस्थानियां नौकरियां दे रहे हैं, तो पंजाबी दिहाड़ी कर रहे हैं। कोई काम नहीं कराया रजिंदर बैरी ने, वो अपने अंदरों बाहर नहीं निकलिया। हुण जे 10 दिन 15 दिन पहला आ के लोगों ने उसकी शक्ल देखी है। इन्हां ने बेड़ा गर्क पंजाब दा कर दिता, पर असीं हुण नहीं होण देणा। साइन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रविगिल, जिमें जिमें चोणा नज़दीक आंदियां जा रही है, सारे उम्मीदवार अलग अलग पार्टी के अपने पिछे का जोर दिखा रहे हैं, तो तुम देख सकते हो कि इस टाइम असी आम आदमी पार्टी के दफ्तर खड़े हैं, तो अरविंद केजरीवाल हुणी होर थोड़ी देर तक आ रहे हैं, तो तुम देख सकते हो किमें नौजवानों का गढ़ रमन अरोड़ा जी की सपोर्ट के आ रहा। किमें देखते हो कि रमन अरोड़ा जी की सपोर्ट के काफ़ी नौजवान आ रहे हैं, बीबिया भैन आ रही ने, की लगता है कि किन्नी कु वोट इस टाइम आम आदमी पार्टी को पाएगी जलंधर सेंटर हल्के? मैं 80% वोट जी है ना आम आदमी पार्टी को पैनी पैनी है, क्योंकि हर बंदा कांग्रेस तो दुखी है, जेडे नजायज परचे करते हैं, नशा चलता पाया, जेडे इन्होंने अपन जेबा भरिया ने, इस करके ये सारा समाज जेड़ा इतने का यह सब पढ़िया लिखिया जागरूक बंदे आ। 5 सालों के बीच किसी बंदे की तरक्की नहीं हुई, जी तरक्की हुई है ये कौंसलर की हुई है जा MLA साहब की हुई है। MLA साहब ने अपने 10 पेट्रोल पंप बना ले है, समझते हो, जेड़े विजय दकोआ हैगा वार्ड नंबर 13 तो जो प्रधान है कौंसलर है, उन्हें 7-8 मंजिला उन्हें अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली है, जो इलीगल काम है सारे वो इतने करता, इस करके हर बंदे हर बंदे इतने क्लीयर है कि ये जो लोग है ये अपन जेबा भरन वास्ते इतने आए है। रमन जी एक ईमानदार इंसान ने, पढ़े लिखे तो समाज सेवा करने वाले बंदे ने, इन्होंने समाज का भला ही करना इतने आके, इस करके सानू कहने की लोड़ नहीं, हर जगह हर दरवाजे चो हर घर के बच्चों आवाज़ आ रही है ऐतकी झाड़ू फिरूगा और चंगी तरह फिरूगा। इन्होंने नशा पैसा देना शुरू कर दिता लोगों, जिड़ी कि बड़ी माड़ी गल है, क्योंकि ये सोचते हैं कि साढ़े किरदार इन्ने क सस्ते ने कि असी पैसे नाल इन्हों खरीद सकते हैं, ठीक है जी। ऐतकी जनता नहीं बिकूगी, ऐतकी समाज के सुधार लिया के छूगी। गल ए कि विकास की गल् सिर्फ हो रही ने मूँह के नाल, विकास कितने दिखता नहीं पाया, गलिया नालिया के सू उड़ा के रखे, लाइटा के ना सेहत है, स्कूल आ उन्होंने बहर उन्हें फोटो बना के देती है सानू कि यही है सब कुछ, यही स्मार्ट स्कूल है, 6-6 क्लासा एक एक टीचर लाया इन्होंने, कि मतलब इनू आप विकास कहने। इस वेले लोग जागरूक ने, यह चाहते ने अभी बदलाव लैके आना, ये कल न्यू जनरेशन नहीं हैगी, पुराने बंदे भी इस चीज़ को पहचान गए ने, इस करके इन्हों वोटा नहीं पैनिया, इन्होंने इन्हों जन जमानत जब्त हो गया, बदलाव के नाल विकास हो गए। पहलिया पार्टियां बहुत सारे सालों के इन्होंने राज किए, बहुत सारे मतलब भी काम नहीं किए, जनता यही चाहती है कि बदलाव होवे, तीसरी पार्टी आवे तो लोगों के काम होन, लोगों को रुजगार मिले, लोगों के
जिहड़े कि बच्चे नशियां तों मुक्त होण। कांग्रेस के लीडर ने सारिआं दा इही कहना है कि असी गलियां बनवा दित्तियां, सड़कां बनवा दित्तियां, पर सवाल तो यह है कि नौजवानों नू नौकरियां कित्थे ने? सारा पंजाब का नौजवान आईलैट्स करके बाहर नू भज्जा होया। देखो अज हरेक इंसान बेरोजगार होया पाया, इन्हां ने सानू गलियां नालियां जो कि रखिया आ। विकास का मतलब ये नहीं कि गलिया नालिया ही विकास नहीं, हरेक मुद्दे से सरकार फेल है। अज हेल्थ सिस्टम साडा बहुत माड़ा आ, एजुकेशन सिस्टम साडा बहुत माड़ा पंजाब चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों की लुट, प्राइवेट होस्पिटलों की लुट। अज इन्नी महंगाई का इन्ना बोझ आ हरेक इंसान से, लोग समझ चुके आ। जिन्हें दो नंबर के काम कर रहे हैं कांग्रेस के अकालिया कर रहे हैं, इन्हों डर सता रहे। जदों आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो साढ़े दो नंबर के काम बंद हो जाने, ये गलों डर रहे है। ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने उन्हों का कहना कि जे पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी नहीं आती तो पंजाब जो है ये अग वांगू मचेगा। तो पहला देखो कि नहीं मच रहा, साढ़े बेरोजगार बाहर जा रहे हैं, तो इतने नौकरियां कि दे रहे हैं? भइया दे रहे हैं, हिमाचलियां दे रहे, राजस्थानियां नौकरियां दे रहे हैं, तो पंजाबी दिहाड़ी कर रहे हैं, जमाटो के काम कर रहे हैं, गेटमैन की नौकरी कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पंजाबी साडे, ठीक है। एक ता करके डर रहे हैं सरकार आते, आम आदमी पार्टी सरकार। राहुल गांधी उन्हों का कहना है कि जे पंजाब दे विच दोबारा कांग्रेस पार्टी आती है, रेत माफिया, केबल माफिया, सारा कुछ खत्म किया जाएगा। भाजी आनी नहीं, कदी भी नहीं आनी, कांग्रेस का इतिहास खत्म हो चुका है। तुसी शुरू तो देख रहे हो कांग्रेस बिल्कुल थले आ रही है। अज इन्हां को बोलण वास्ते कुछ नहीं हैगा, सिर्फ केजरीवाल ने, भगवंत मान जी ने, बाकी पॉलिटिशन ने सिर्फ मंदे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, होर कुछ नहीं है। यह तो साफ साफ पता चलता है कि जड़ा कांग्रेस सरकार हैगी है, यदा बिल्कुल पत्ता साफ है। लगता है कि पंजा सालों तो पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार सी, और रेत माफिया भी खत्म कर सकती है, केबल माफिया भी खत्म कर सकती, इन्होंने क्यों नहीं किया? भाजी ईमानदारी की कमी आ, जे सरकार ईमानदार होवे ते केड़ा काम हैगा जड़ा नहीं हो सकता? आज तो पुराने टाइम जसी देखते हैं, मेरे फ्रेंड बाहर गए ने, वो बाहर जाके की सानू दसदे हैगे, कहिंदे कि असी जो पैसे कमा रहे हैं लोकल दे हिसाब नाल बराबर है, पर इत्थे तो सिस्टम वधिया। जे उही सिस्टम अपना इत्थे वधिया होवे ते क्यों नहीं वधिया काम होणगे? लगता कि आम आदमी पार्टी नू पंजाब दे विच जे बैठ नहीं बनती, क्योंकि कांग्रेस वाले जो ला रहे ने उन्हां दा कहना है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है आम आदमी पार्टी। भाजी पहली गल तो मैं कांग्रेस को चेतावनी दिना, जिहड़े साडे भगवंत मान जी नूं कहिंदे आ ना कि ड्रिंक करदे आ, तो ये गल का ख्याल रखन, जिहड़े पीने शौकीन वाले जे वोटां पाती आ ना तो तुसीं समझ लो तुहानूं एक वोट भी नहीं मिलनी। नशा वेखदा भी लीडरां दे करके आ जी, ठीक है। एक आम बंदा नशा नहीं वेच सकता, ताडे साडे वर्गा नशा नहीं कोई वेच सकता। आम बंदा दा नशा वेचण दी दूर दी गल आ, कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बहुत सारिया सरकारां इत्थे आईयां, स्पैशली कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, जेदी मैं खुद भी प्रधान सीगी। 22 साल हो गए मैनूं इन्हां दे विच काम करदे आ रोल, लेकिन कोई मसला हल किते पासे हुंदा ही नहीं। दीवा कौंसलर अपनी मर्जी करदे आ, गलियां नालियां दा बुरा हाल आ, सफाई कर्मचारी प्रॉपरली उत्थे आंदे नहीं, कूड़ा कतर एक दूसरे दे बूहे मोरे आ। जबकि कोरोना दा टाइम है, कोरोना फैल रहा है, कब्रिस्तान तोड़िया होया दीवारा, वो ग्रांटा किथे ने? शमशानघाट जाके देखो, शमशानघाट दा वो बुरा हाल आ, आमणे सामने घर आ, ग्रांटा लगदियां ही नहीं, गलियां दा विकास है ही नहीं, लाइटां किथे लगियां, लाइटां किथे लगियां, कुछ नहीं आ, कोई शमशानघाट कोई कुछ नहीं आ, कुछ नहीं आ इत्थे। सो तुसी देख सकदे हो कि रमन अरोड़ा जी दे हक दे विच इकट्ठ इन्ना क ज्यादा हो चुका है कि विरोधी पार्टियां नूं इस्तां पई होई है। ते तुसी देख सकदे हो इस टाइम रामा मंडी दे विच उन्हां दा भरपूर स्वागत कीता जा रहा, उन्हां दे नाल लोग निकले हुए ने। सो गलबात करदे हां, आम आदमी पार्टी नूं कित्थे देखदे हो? असीं हर वारी आम पार्टी नूं ही देखना चाहुंदे आ ते पार्टी नूं ही देखना आ, बाकी ते सब एवीं पार्टियां आईयां ने ते गईयां ने, ना सानू उन्हां कोलों कोई फायदा मिलिया, ना सानू कोई अजकल कुछ मिलिया, सगों इन्हां ने बच्चियां नूं बिगाड़िया आ, झूठे।
झूठे वादे कर करके इन्होंने सारियां नूं नाश किया आ। इन्होंने बेड़ा गर्क पंजाब का कर दिता है, पर असी हुण नहीं होण देना। हुण वोटर भी सारे तद कामयाब हो गए ने वोटां दे। इस टाइम पूरे पंजाब आम आदमी पार्टी के नाम की एक हनेरी दी आई हुई है, एक तूफान आया है। सारा पंजाब देखेगा कि पंजाब असी 80 तो वध सीटां लैके सरकार बनावांगे। विकास किया होंगे ना तो हाथ नहीं सी जोड़ने पैने दोबारा आके ओने विकास के सिर ते वोटा पैनिया सीगिया। उन्हें अपना विकास किया, उन्हें अपना विकास किया है, लोगों का विकास नहीं किया। जिदी उसकी जिम्मेवारी सी वो उन्हें नहीं किया। इस करके और नोटा दे नाल खरीदना चाहता है, नोटा दे नाल खरीद नहीं सकता। अजकल लोग जागरूक ने, वो कहते ने कि असी वोट हक सच नूं पानी है। आम आदमी पार्टी ऐतकी आऊगी और जलंधर पूरा गंद साफ करूंगी। बाकिया पार्टिया की जी मेज़ है बहुत खराब है, बढ़िया नहीं है। अरोड़ा जी कितना देते हो कि इन्ना ज़्यादा इकट्ठ है सारे तुहाडे हक दे विच नित्रे हो? ये बदलाव है, ये बदलाव करके लोग नाल जुड़े हैं। जो रवायती पार्टियां ने अज तक तुम देख ही लिया वै कि किन्ने के लोगों के मन च उत्साह है भी आम आदमी पार्टी आएगी और साडा सुधार करेगी। नौजवानों का कहना कि सरकार ने साढ़े उत्ते परचे भी बहुत गलत झूठे परचे दर्ज करवाए हैं। ये जी पिछली सरकार सी ये परचियां वाली सरकार सी, पर जी हुण सरकार आ रही है वो आम आदमी दी और अच्छे लोगों की सरकार आएगी जिहदे च गंदी राजनीति नहीं की जाएगी। लोगों के विच उत्साह और दिलो तनो मनो तनो हर वक्त जो है इन्हां नूं मदद करने लिए तैयार है। सिर्फ इको एक जो पब्लिक चाहती है वो बदलाव चाहती है। इन्हां रवायती पार्टियां हैं जो इन्होंने 70 साल लुट के भी खा लिया, सानू कुटिया भी बहुत, तो हजे भी झूठ से झूठ मारी जाते हैं। कोई वादा पूरा नहीं, कुछ नहीं होया। बाकी तुहानू भी पता भी की कोई वादे झूठे किए ने। इन्हां झूठिया वादियां तो बहुत परेशान है दुनिया, पब्लिक बहुत परेशान है। नीवे नूं नीवा करी जा रहे हैं, आ पुच्छे दे उत्ते उतर जा रहे हैं। सो इस करके हर बंदा हर जात वर्ग का बंदा बदलाव चाहता है, तो बदलाव चाहता है आम आदमी पार्टी की जित चाहता है। भगवंत रजिंदर बेरी हुणां ने किन्ना का काम करवाया? कोई काम नहीं कराया रजिंदर बेरी ने, वो अपने अंदरों बाहर नहीं निकलिया। आ हुण जे 10 दिन 15 दिन पहला आ के लोगों ने उसकी शक्ल देखी है भी वह है कौन है, किहड़ा साडा मंत्री MLA बेरी आ, वो किसी नूं उन्हूं नहीं पता, कोई नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी का तो कहना है असीं अपने अपने हलकियां चों नशा खत्म किया। बिल्कुल कोई नहीं, जे कोई नशियां दे काम किया तो तुहानूं होर 3 दिन बाद पता लग जाएगा। जे नशे दे काम होया तो तुहानूं उह स्पष्ट हो जाएगा भी ये नशे दे उत्ते की होया की नहीं होया। बिल्कुल झूठ है, सारे कम्मां नूं मन्निया जा सकदा है, लेकिन नशे वाली गल तुहाडी मैं मन्नांगा नहीं। जिथों मर्जी जिहदे कोलों मर्जी ला लो, जिन्ना मर्जी ला लो, ये लोगों दीआं जवानियां मावां दीआं कुखां खाली हो गईआं सी। ओए अज दे दिन तक हुण दे दिन तक ते इन्हां दी आपसी लड़ाई नहीं मुकी, अपने ढिड नहीं भरे। सो ये आने वाले समय से सानूं की देणगे? सो इस करके जे बदलाव होएगा तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सोच दे विच, केजरीवाल की जो नीति है उहदे विच ही बदलाव हो सकदा, वरना ये इत्थे दा बदलाव नहीं हो सकदा पंजाब दा। अरोड़ा जी के उत्ते कितनी आस है? बहुत आस है, बहुत आस है। ईमानदार शरीफ आदमी ने और एक केजरीवाल की लीह उत्ते चल के ये पंजाब नूं पंजाब दे विकास करनगे और इन्हां दी हर हालत कोशिश है। पंजाब दे विच ये जो नशा है, ये रिश्वतखोरी, ये जो कुछ भी है, ड्रग माफिया, रेता माफिया, जो है सारा खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी का कहना जे पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी नहीं आती तो पंजाब किसी अग के हवाले हो जाएगा, पूरे पंजाब दे विच अग लग जाए। ये गल राहुल गांधी जेकर मेरी गल सुनता हो तो ये गल सोच लवे तो सुन लवे। जिस तरह केजरीवाल ने लिखती रूप दे विच प्रेस वाले नूं दिता सी भई दिल्ली दे विच कांग्रेस पार्टी 0, ये पंजाब दे विच ये 4 दिन के बाद ये हाल हो रहा। तो अज तक अगर जिन्हें लाइया है कांग्रेस पार्टी लाइया है, पंजाब जो भी हालात खराब होए थे, जिन्हिया भी अगर लगिया है, धर्म से हमले हुए आ, सिखां दे गलां में टायर पा के मारिया गया है, वो कांग्रेस पार्टी की देन सी कि उन्होंने ये गल कहंदे शर्म नहीं आती? जे कांग्रेस ना आई तो पंजाब अग दे वाले हो जाएगा, अग तो आप सेंटर की सीट तो रमन अरोड़ा जी को कितना देखते हो? बहुत अच्छा रिस्पोंस है,
और लोग जो अज की डेट के जिन्हें लोग का प्रभाव देख रहे हैं इस तो कई गुणा ज़्यादा साइलेंट वोट है जो रमन अरोड़ा जी झाड़ू के निशान से आम आदमी पार्टी को पेगी। में देख दो कि इन्ने ज़्यादा लोग निकल के आए ने की लगता है कि रमन अरोड़ा जी ये दिलों सारे लोग आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि आम आदमी की सरकार आए और जिड़िया पहलिया सरकार ने काम किया वो काम किया ही कोई नहीं इन्होंने हम लोग चेंज चाहते हैं बदलाव चाहते हैं। 20 तरीक न किनू वोटा ज्यादा पीदियां ने 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो जलंधर सेंटर तो किहड़ा उम्मीदवार सीट जीत के जाता है। जलंधर तो कैमरामैन शुभम गिल दे नाल रवि गिल दी रिपोर्ट। फगवाड़ा दे विच आशु दी हट्टी दा खुला चैलेंज जिथो तुहानू मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट लहंगे साड़ियां ते प्लाजो। आशु दी हट्टी दा एक ही वादा तुहानू मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशु दी हट्टी ओपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।